आमतौर पे हर इंसान सोचता है कि भाई कर्म क्या है, कर्म क्या है। तो कर्म मेरे ख्याल से सबकी एक भावना, सबकी धारणा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में आप क्या काम करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, आपको सबको पता है। जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान के अंदर हो या पूरे विश्व के अंदर। जो आदमी 1 रुपये का सिक्का जानता है, जो 1500 की नोट जानता है, मुझे लगता है दुनिया में कोई पागल नहीं, अच्छा बुरा सब जानता है। तो जैसे हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में जाते हैं और 100 मार्क का प्रश्न पत्र सामने आता है, हमारे पास जवाब लिखने के लिए 3 घंटे का समय है, लेकिन अभ्यास के लिए, पूरा स्टडी करने के लिए हमारे पास में पूरा 1 साल होता है। तो 1 साल में हमने क्या किया, यह होता है हमारा कर्म। और जो हम आंसर लिखते हैं, और आंसर लिखने के बाद में जो कोई हमारे क्वेश्चन पेपर के साथ में हम जो जवाब लिख कर देते हैं, यह हमारा पूरा कर्म का सिद्धांत है, पूरे 1 साल। और हमें जो कभी कभी लगता है कि भगवान है, भगवान है तो कैसा होगा, क्या होगा, क्या करता होगा, किस रूप में होगा, ये जो बातें हमारे जहन में आती है, जो हमारे दिमाग में होती है, तो आमतौर पर मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान अगर कुछ काम करता है तो भगवान केवल आपके आंसर पेपर चेक करता है, यही कर्म का सिद्धांत होता है, और कुछ है नहीं। अरे भगवान भगवान हम जो कहते हैं कि भगवान क्या करता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज और गाड़गे महाराज, इनकी जो कुछ हम किताबें पढ़ते हैं और उसमें से हमें जो कोई थोड़ा बहुत जो एक राई के बराबर जो ज्ञान मिला है, तो गाड़गे महाराज की जवाब में ये बात आती है कि कभी उनको पूछते थे कि भाई भगवान क्या होता है, तो बोले भगवान कुछ नहीं, भगवान ये सिर्फ एक व्यवस्था है, वो केवल एक प्रशासन है, वो केवल एक कानून है, वो केवल एक जिंदगी जीने का तत्व है। और भगवान एक सबसे बड़ी अद्भुत और अदृश्य सी एक न्याय व्यवस्था है, वो आपको जस्टिफाइड करती है। तो आपका कर्म अच्छा हो, जैसे पुराना एक गाना, शायद कई लोगों ने उसको बिल्कुल ध्यान से सुना नहीं, या तो उसके अंदर क्या मैसेज था उसको कभी देखा नहीं। लागा चुनरी में दाग छुपाओ कैसे, जाके बाबुल से नजरें मिलाओ कैसे। तो चुनरी मतलब हमारी जिंदगी, तो ये जिंदगी हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए, बेदाग होनी चाहिए। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो शायद मैंने उनसे यही बात कही थी कि भाई कम से कम जो भी कर्म आप करते हो, आपको पास होने के लिए, पास आउट के लिए आपको 100 में से 35 मार्क्स कम से कम चाहिए। 35 मार्क्स अगर आपके पास में है तो आप पास हो सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में यार 35% तो 30% तो कर्म अच्छा करो आप। इसका मतलब ये नहीं कि 65% आप बिल्कुल कायदे से बेईमानी करो, ये नहीं, लेकिन 35% तो आप शरीफ रहो, 35% तो अच्छा काम करो, नेक काम करो, और अच्छे कर्म के साथ में ही भगवान नाम की जो व्यवस्था है वो आपका हिसाब करो। तो बहुत बार लोगों के मन में ये बात होती है कि किसी के आशीर्वाद से ठीक हो सकता है, भगवान का आशीर्वाद मिले। ये जो हम भागा दौड़ देख रहे हैं, तो हर मंदिर में जो चक्कर काट रहे लोग, हर जगह पे जो आना जाना है, तो अपना कर्म भी तो ठीक होना चाहिए। बाकायदा हम जो भागा दौड़ कर रहे हैं और जो हम मंदिरों में भीड़ देख रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से मैंने पिछले महीने में लिखा भी था किसी किताब में कि ये जो है ये सब एक मोर्चा है। जितने भी लोग हम भीड़ में देखते हैं, कतार में देखते हैं, सबको लगता है कि यार लोग धार्मिक बनते जा रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है आपका? धार्मिक होना या आध्यात्मिक होना, आमतौर पर लोगों को लगता है कि अध्यात्म क्या है, धार्मिकता क्या है, भगवान क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले, सबसे बेटर बात ये होगी कि आप अपनी ड्यूटी क्या करते हो, आप आपका कर्म क्या करते हो, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आप काम करते हो उसका हिसाब किताब क्या है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई
मैं मंदिर में जाने के बाद या मंदिर कैंपस में जाने के बाद में भगवान कृपा करता है, किसी का आशीर्वाद मिलता है, किसी साधु के पास गए, किसी महात्मा के पास गए, और आजकल तो ये तो होड़ लगी हुई है, सब आशीर्वाद देने वाले तो सब बैठे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई लोगों की जो सोच है वो बदलनी चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई किसी महात्मा के आशीर्वाद से हमारा ठीक हो सकता है, कल्याण हो सकता है। भाई महात्मा कौन है ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि किसी बाबा के, किसी संत के, किसी फकीर के, किसी महात्मा के आशीर्वाद से आपका ठीक हो सकता है, इस बात पर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं। हमारे आशीर्वादों से उन लोगों का ठीक चल रहा है, ये बात हमारे खोपड़ी में नहीं आ रही। तो व्यक्ति ने जो कुछ हो अपने ज़िंदगी के, जो भी काम हो, जो आपकी ड्यूटी है, देखो आपको सुबह नींद से 5 बजे जागना है, जागना, ये कोई मेहरबानी नहीं। आपको डॉक्टर ने कह दिया कि भाई कम से कम आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर घूमना फिरना रखो, तो घूमना ही है आपको। आप ये तो नहीं बोल सकते नौकर को कि चलो भाई आज मेरी जगह पे तुम चले जाओ, आपकी ड्यूटी आपको करनी है। आप घूम फिर कर आए, आपको ब्रश करना है, आपको प्राणायाम करना है, बाथरूम जाना है, आपको कपड़े चेंज करने, जो कुछ आपको करना है करना ही है आपको, इसमें कोई मेहरबानी नहीं, ये आपकी ड्यूटी। उसके बाद आपकी जो निजी ज़िंदगी शुरू हो जाती है तो चाय बिस्किट के साथ में या कोई ब्रेकफास्ट लेंगे, उसके बाद में आपको ड्यूटी पे जाना है, दुकान पे जाना है, खेती पे जाना है, जो कुछ भी करना है आपको। आप भले पूजा पाठ करो ना करो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में आम तौर पे आप जीते हो ये आपकी भक्ति होनी चाहिए, और यही कर्म है। आपका कर्म बदलने के लिए, आपका भविष्य बदलने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। कोई भगवान, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई वरदान देके आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सब आपको खुद को ही करना है, आपकी ड्यूटी आपको करनी है। किसी ने मुझे एक बार ऐसा ही सवाल पूछा था कि भाई जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे क्या भगवान खुश होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। आप सुबह में उठने के बाद में भले आधा घंटा एक घंटा पूजा पाठ करो, तो उस पूजा पाठ के समय, उस पूजा पाठ के दौरान जिस भगवान की आप पूजा करते हो, जिस भगवान की आप भक्ति करते हो, तो मुझे लगता नहीं कि यार वो आपकी भक्ति से खुश हो सकता है। अभी मन में बात ये भी आती है कि भाई इसका सिद्धांत क्या है कि आपकी पूजा पाठ के बाद में भगवान आपकी पूजा से खुश हुआ, इस बात का सिद्धांत क्या है? तो भगवान तो खुद जवाब देता नहीं, लेकिन नॉर्मली उसका जवाब मेरे पास ये होता है कि जो भी आप भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब क्या है वो तो उस बाद में कभी समझाएंगे फुर्सत के साथ, लेकिन जो भी हम पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं उस भगवान की खुशी, उसकी संतुष्टि कैसी हो सकती है, इसका एक बहुत सीधा सिद्धांत है, बहुत ही सिंपल बात है। जिस व्यक्ति को परिवार वाले नेग्लेक्ट करते हैं, जिस आदमी को देखने के बाद में परिवार वाले ही गुस्सा करते हैं, जिस आदमी को घर से बाहर निकलने के बाद पड़ोसी गाली देते हैं, जिस आदमी को देखने के बाद में उसके दोस्त उंगलियां मरोड़ते हैं, ऐसे आदमी की पूजा पाठ से भगवान को खुशी मिल सकती है, इस बात पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं। तो आप अच्छे रहो, नॉर्मल रहो, जो कुछ आपकी ड्यूटी हो अच्छी तरह से करते रहो, यही कर्म है, यही कर्म का सिद्धांत है, और कुछ है ही नहीं। बाकी ये जो मैं पहले एक बात बता रहा था कि ये जो हम भीड़ देखते हैं मंदिरों में, हमें ऐसा लगता है कि लोग धार्मिक बन गए, धार्मिक नहीं, ये धार्मिकता नहीं। कल परसों व्हाट्सएप पे मैंने एक देखा है मैसेज कि एक बच्चा बिल्कुल भोजन के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, और कुछ हमारे धार्मिक लोग महादेव की पिंडी पर जो दूध का अभिषेक कर रहे हैं, तो हो सकता है ये श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा हो, जो भी हो, लेकिन प्रॉपर आप जो काम करते हो ये भी तो सही होना चाहिए। तो भगवान के पीछे कब तक दौड़ोगे, भगवान पे आपका कितना भरोसा है, ये बात इम्पोर्टेंट है। आप पर दुनिया का कितना भरोसा है, दुनिया आप पर कितना विश्वास करती है, ये आपकी धार्मिकता होती है, और ये धार्मिकता और ये विश्वास प्राप्त करने के लिए आपका कर्म सही होना चाहिए। ये कर्म जब तक आपका सही नहीं है तब तक ये सब हमारा नकली परिचय, ये जो हम मंदिरों में भीड़ देखते हैं ये सिर्फ एक धार्मिकता का प्रदर्शन है, और ये केवल एक मोर्चा है। मैंने लिखा भी था कि ये केवल एक सिर्फ एक मोर्चा है, बस इनके हाथ में एक बोर्ड नहीं है कि हमारी मांगे पूरी करो। बाकी मंदिरों में जो भी हम देखते हैं भीड़, जो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते, कहाँ कहाँ दौड़ते, कहाँ कहाँ भागा दौड़ी चलते, मैं तो कई बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो भी ये भागा दौड़ी चल रही है हमारे लोगों की, थोड़ी देर में बहार भी रह के आया हूँ, 3-4 महीना मैंने बाहर भी यूके में गुजारे, मैं देखता हूँ कि यार
सही मायने में धार्मिकता क्या होती है उन लोगों से सीखना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में वो लोग बहुत सरलता से जीते हैं। तो हमारा दिखावा कुछ अलग होता है, हमारा कर्म कुछ अलग होता है, हमारा प्रदर्शन कुछ अलग होता है, और इसमें से कोई चुका नहीं, कोई इसमें से छूटा नहीं। तो बस मुझे तो लगता है कि बस आप सीधे रहो, सरल रहो, और यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। आप कितनी भक्ति करते हो, आप कितने बार तीर्थों में गए, आपने कितनी पूजा पाठ की, आपने कितने ग्रंथ पढ़े। मराठी में संत तुकाराम ने एक बात कही थी कि तीर्थे धोंडा पानी देव रोकड़ा सज्जनी। तीर्थों में अगर गए तो पत्थर और पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ लूटमार है। वहाँ का जो भगवान है वो अगर किसी पे कृपा करता होगा तो वो बस स्थानीय लोगों पे जो आपको लूट रहे। तो ये जो हम देखते हैं, ये जो भीड़ है, ये सब हो सकता है मेरा शब्द गलत हो, लेकिन ये सब भेड़ चाल है। तो सबसे पहले भगवान, आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा कि भाई भगवान हमारा हिसाब किताब रखता है, तो क्या सिर्फ आप एक घंटा पूजा पाठ में व्यस्त होते उसी का हिसाब रखता है? बिल्कुल नहीं। आप एक घंटा पूजा पाठ में जो व्यस्त होते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान उस बात का कभी हिसाब नहीं रखता। बाकी 23 घंटा हम जो काम करते हैं, बाकी 23 घंटे का हमारा जो भी कर्म है, भगवान उसी का हिसाब रखता है। परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड नाम की, और ये जो हम इसमें देखते हैं फसाद, एक दूसरे का विरोध करना, तो किसी धर्म ने तो ये बात कही नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम लोग हमारा कर्म बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये मानव का जन्म क्यों मिला। अब एक नॉर्मली बात कई बार महाराष्ट्र के बारे में कही जाती है कि कई लोग कहते हैं महाराष्ट्र संतों की भूमि, तो यहाँ पे संत ज़्यादा क्यों आए? जहाँ पर कचरा ज़्यादा हो वहाँ पे सफाई वाले ज़्यादा होते। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि महाराष्ट्र के अंदर बेवकूफ़ी ज़्यादा होगी, बदमाशी ज़्यादा होगी, तो इन लोगों को सुधारने के लिए अच्छे लोगों को अच्छे कार्य करने पड़े, वही संत बन गए। देखते देखते जनाब खुदा बन बैठे, यहाँ ज़िंदगी कट जाती है इंसान बनते बनते। तो मुझे लगता है कि भाई बस आप इंसान बन के जियो, यही हमारे कर्म का सिद्धांत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।